अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं अल्टी फरमाजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ट्रेडिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप कौन कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस किस ट्रेडिंग के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कितनी टाइप की जो ट्रेडिंग है वो होती है और कितनी टाइप की ट्रेडिंग के ऊपर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजीद जो अच्छी वीडियोज है वो देखने को मिलती रहे। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक तो कौन कौन सी जो ट्रेडिंग के ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर ये सवाल आता है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कौन सी ट्रेडिंग करें जिसके ऊपर हमें जो मुनाफा है वो होता रहे और हमारे जो नुकसान के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप लोगों को ट्रेडिंग का शौक़ है और आप ट्रेडिंग के ऊपर काम करके पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग ऑप्शन आता है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अब दोस्तों, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है ये ऐसी होती है कि यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है करेंसीज पेयर के अंदर, जैसे आप यूरो यूएसडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जीबीपी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पाउंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज डॉलर, इस तरह की जो ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे यह आता है कि ये जो ट्रेडिंग होती है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के रिस्क के ऊपर आप लोगों को करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जितना मुनाफा नजर आ रहा होता है उतना ही आप लोगों का नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे अपना नुकसान करते हैं। उसकी वजह ये है कि इस मार्केट के ऊपर जो फॉरेक्स मार्केट है, इस मार्केट के ऊपर तकरीबन 90% नुकसान करते हैं और जो 10% लोग हैं वो यहाँ से मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को एक मुकम्मल जो है वो एजुकेशन चाहिए होती है, मुकम्मल आप लोगों को सीखना पड़ता है, और सीखने के बाद अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ जो मुनाफा है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फॉरेक्स के काफी ज्यादा ब्रोकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एक्सिनेक्स है, एक्सएम है, और उसके अलावा और भी काफी ब्रोकर है जो यहाँ पे काम करते हैं जिनके ऊपर आप अकाउंट ओपन करके अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप बात करते हैं दूसरे नंबर की जो ट्रेडिंग के ऊपर है, तो दूसरे नंबर के ऊपर जो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए वो है क्रिप्टो की ट्रेडिंग। अब आप लोगों ने बाइनांस एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा कि बाइनांस की जो एप्लीकेशन है ये इस वक्त दुनिया की नंबर वन एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। आप बिटकॉइन के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा आप एथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीएनबी है, और इस तरह के जितने भी क्रिप्टो के कॉइन है उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में तो मैंने आपको जो डिटेल समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन जो क्रिप्टो की मार्केट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आप दो तरह की ट्रेडिंग करते हैं। एक आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का, और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है स्पॉट ट्रेडिंग का। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर सेम आपको फॉरेक्स की तरह जो है वो मुनाफा भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और नुकसान जो है वो भी बहुत ज्यादा ही होता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो को स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर करते हैं तो ये जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट किसी भी कॉइन को खरीद कर रख लेना होता है। अगर वो कॉइन नीचे चला जाता है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो कॉइन दोबारा उस लेवल के ऊपर आता है या उस लेवल से ऊपर चला जाता है तो आपको वहां पर मुनाफा होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी एजुकेशन है, अगर आप इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर काम करके आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक बहुत अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बिना को सीखना चाहते हैं या आप लोगों को बाइनांस के बारे में नहीं पता तो बाइनांस की मुकम्मल जो प्लेलिस्ट है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर क्रिएट की हुई है, वहां पे जाके आप उसको देखकर बाइनांस के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, और जो तीसरे और लास्ट के ऊपर जो चीज आती है वो हम सबकी फेवरेट है, मेरी तो वो स्पेशल फेवरेट है, वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नहीं पता या आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग करने का। यहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर काम करने वाली या इंटरनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, आप लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से इनके शेयर को खरीदना होता है। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक तो आप यहाँ पे डे ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डे ट्रेडिंग करते हैं तो डे ट्रेडिंग के अंदर आप नुकसान भी कर सकते हैं, मुनाफा भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा
मुनाफा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग करने की, वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को डिविडेंड भी देखने को मिलते हैं। अब डिविडेंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके ऊपर जो आपको रेंटल इनकम होती है वो देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप रियल स्टेट की किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो रेंट का इनकम होती है उसके में से हिस्सा मिलता है। और अगर आप किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी जो मुनाफा कमाएगी उस मुनाफे के अंदर से जो हिस्सा है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो नुकसान के चांसेस हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये जो एक घंटे का कोर्स है ये मैंने मुकम्मल डिटेल से बनाया हुआ है। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको मुकम्मल डिटेल से ये चीज समझ आ जाएगी कि कैसे आप लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये तीन बेस्ट तरीके हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला जो फॉरेक्स वाला तरीका है वो बहुत ज्यादा रिस्की है। क्रिप्टो के अंदर मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं कि स्पॉट और फ्यूचर का ऑप्शन है। जो स्पॉट का ऑप्शन है वो बिल्कुल सेफ होता है, फ्यूचर के अंदर आपको नुकसान हो सकता है। और जो स्टॉक मार्केट है ये तो बहुत ही अच्छा वे है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये है सबसे अच्छा और सबसे ऑथेंटिक वे है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरह की ट्रेडिंग देखो मिलती है, एक डे ट्रेडिंग होती है और एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इन तीनों चीजों के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग के हवाले से अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से पूछ लीजिएगा। बाकी ये हमारी आज की वीडियो थी, ये वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से बताइएगा। अगर चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।